बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कदर नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। जिंस है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। कदर के उर्दू मायने हैं सबज या सबज फसल, यानी ताजगी की अलामत। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफरिस्त है ब्रुनेई दारुस्सलाम, नंबर दो पर है तुर्की और नंबर तीन पर है इंडिया। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है जुमा और सोमवार। नंबर आठ को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली धातों में शामिल है तांबा और लोहा, जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबज। रूबी नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं, ताहम अपने माली हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका पूरा नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।